हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आया एलईडी ट्यूबलाइट रिपेयरिंग के कोर्स लेके आया, वो भी बिल्कुल फ्री में। एलईडी ट्यूबलाइट में जो डाइवर रहते डाइवर, अगर ये कहीं क्या खराब रहता है, बेसिक जो प्रॉब्लम रहता है वो सारे दिखाएंगे आज। और इसमें जो खराबी रहता ना, वो कैसे आप आसानी से सीख कर सकते वो दिखाएंगे। इतना आसान तरीके दिखाएंगे, टूटकी में जितना आसान है उतना आसान में आसान हो जाएगा ये रिपेयरिंग करना। इसलिए पानी पीना जितना आसान है उतना आसान रेडीमेड रिपेयर करना आपका। चलिए आगे बढ़ते, देखते हैं कैसे रिपेयर होता है। इसके इस पॉइंट दबाने से इसका कैप खोल जाएगा, ये भी सेम ऐसे खोल लेंगे। ट्यूबलाइट के डिफ्यूज़र इस प्रकार से निकल जाएगा। इसके कनेक्शन को पहले खोलेंगे, और ड्राइवर को इस प्रकार से निकाल लेंगे। ड्राइवर निकल चुका। आज हम लोग ड्राइवर के बेसिक प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। तो पहले चेक करेंगे रजिस्टर सही है कि नहीं है। इसको फ्यूज रजिस्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये ओवरलोड प्रोटेक्टर के काम में आता है। काम में लिखा रहे थे 230 वोल्ट, अगर 300 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट दे देंगे तो ये फ्यूज काट जाएगा। और इसके साथ ये इमो भी खराब होने का भी चांस रहता है। इस बार ये रजिस्टर फ्यूज कैसे चेक किया जाता है वो देखेंगे। ऐसी ब्रजर का साउंड आएगा, मतलब ये सही है। अगर ये सही है तो ये इतना जगह पूरा सही रहेगा। ट्यूबलाइट अगर ब्लिंक करता है तो ये दोनों कैपेसिटर खराब रहने का चांस रहता है। कभी कभी एक कैपेसिटर खराब रहता है। कैपेसिटर अगर दिखने में ऐसे लगता है तो ऐसे हम समझ जाएंगे ये कैपेसिटर हमारा ख़राब है, और सही रहेगा तो ऐसे दिखेगा इस ड्राइवर का, और ज़्यादा कुछ खराब नहीं होता। अब कैपेसिटर टेस्ट करने के दूसरा तरीका दिखाएंगे। कैपेसिटर को किसी भी एक बैटरी से चार्ज करेंगे थोड़ा सा, फिर मीटर से चेक करने से हल्का कुछ रीडिंग आएगा, इसका मतलब हमारा कैपेसिटर ओके है, एलईडी नहीं जल रहा है। अब एलईडी को रिपेयर करना दिखाएंगे, और इसको रिपेयर करने से पहले इसका कनेक्शन जान लेना है। इन सब ट्यूबलाइट में चार चार करके पैरेलल कनेक्शन रहते हैं, और उन चार को फिर सीरीज के साथ जोड़ा जाता है, थोड़ा इस प्रकार से जोड़ा जाता है। अगर इन सब एलईडी सब खराब हो जाएगा, लास्ट का चार एलईडी छोड़ के तब भी जलेगा वो। जब भी एलईडी खराब रहते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। अगर हम शॉर्ट करेंगे तो जो चार का पैरेलल कनेक्शन है वो चारों ही नहीं जलेगा। अब इसका प्रैक्टिकल डेमो भी देख लीजिए। जैसे कि अभी हमारा ट्यूबलाइट पूरा जल रहा है, इसमें से एक दो एलईडी हम लोग काट के दिखाएंगे ये जल रहा है कि नहीं जल रहा। पहले इसका कनेक्शन हटा लेते हैं। जैसे कि इस एलईडी को हमने तोड़ दिया, देखिए फिर भी जल रहा है। अगर हम इसको शॉर्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए जो चार चार करके सीरीज कनेक्शन है ना वो चार नहीं जलेगा सिर्फ, बाकी सब जलते रहेगा। चलिए आप और एक एलईडी को तोड़ के देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और एक एलईडी को तोड़ दिया हमने, देखिए अब भी जल रहा है। और भी एक एलईडी काट के देखते हैं, देखिए अब भी जल रहा है। अब आइए हम लोग समझ दे एलईडी खराब कहाँ होता है। एलईडी के लास्ट में आ जाएंगे, लास्ट में जो चार नंबर के एलईडी है, अगर ये खराब हो जाएगा तो पूरा ट्यूबलाइट ऑफ हो जाएगा। अगर आपका ड्राइवर का आउटपुट सही है तो आप आँख बंद करके इसको काट के शॉर्ट कर दीजिए, तो पूरा एलईडी अपने आप जल जाएगा। इसको पहले से शॉर्ट करके रखे थे, इसके शॉर्ट हटा देने से क्या होगा, देखिए शॉर्ट हटा दिया। अब चालू करके देखते हैं क्या होता है, देखिए ये नहीं जल रहा है, क्योंकि इस एलईडी से नेगेटिव लाइन सब जगह में पार होता है। अगर आपके पास कोई भी एक वाट का एलईडी रहेगा आप इसमें लगा सकते हो। अगर हम शॉर्ट कर देंगे तो बाकी चार एलईडी नहीं जलेगा, नहीं तो आप ऐसे बैटरी की मदद से भी एलईडी को चेक कर सकते हो। अगर इस वीडियो से अगर कुछ जानकारी मिला तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।